जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। अब्बू आप इस कुर्ते में बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे बेटी, साफ कपड़े में सभी अच्छे लगते हैं। मैं देख नहीं सकता लेकिन अनुभव जरूर करता हूँ। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो गंदगी फैलाते हैं और स्वच्छता की महत्व को नहीं समझते। क्यों, उन्हें गंदगी पसंद है क्या? अरे नहीं, गंदगी किसी को पसंद नहीं होती। बस आलस की वजह से कुछ लोग गंदगी फैलाते हैं। चलो शर्मा जी के यहाँ चलना। राम राम बहन जी। मम्मी घर पर नहीं है, मम्मी बाहर गई है, दीदी का रिश्ता तय हो गया। अच्छा अच्छा, मुबारक हो बेटी, मुबारक हो। अच्छा एक चीज बताना। हाँ? दीदी के ससुराल में शौचालय तो है ना? पता नहीं। नहीं पता है तो जरूर पता करो। बिना शौचालय वाले घर में अपनी दीदी को मत भेज देना, ठीक है? लोगों को इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छ परिवेश का होना कितना जरूरी है। बेटी देखना तो ये क्या है? ये कचरा और पानी है। कचरा और पानी है? अरे इनसे बोलो कि ये कचरा ना फैलाए, इनसे बहुत सारी बीमारियां होती है। और पानी तो बिल्कुल ना जमा होने दे, उसमें मच्छर पनपते हैं और उससे जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है। डेंगू का नाम तो सुना होगा, चिकुनगुनिया, मलेरिया, ये भी उसी से होते हैं। मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि इसी गंदगी के कारण मैंने अपना सब कुछ खोया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा जब तक लोगों की सोच में बदलाव ना आ जाए। मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगा जब तक यहाँ के लोग स्वच्छता की तरफ एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, चाहे मेरे जाने क्यों न चले जाए, मैं नहीं उठूंगा। आप लोगों ने सुना मेरे अब्बू ने क्या बोला? हाँ सही कहा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत।